एक बहुत ही ईमानदार अते सच्ची सुची शख्सियत दे मालक सरदार नरेंद्र सिंह तोर होना ने अपना सारा जीवन सच्चाई दे रस्ते दे चलदियां बिताया। आप जी बहुत ही चंगे संस्कारां दे धारनी अते सहनशील इंसान सन। परमात्मा दे घर प्रति सच्चे श्रद्धावान सन। कोई भी आप जी दे पिंड दा जां इलाके दा धार्मिक काम होवे तां कदी वी अजिहा नहीं सी होया कि सरदार नरेंद्र सिंह तोर पिछे रहे होण। जिथे आप एक धार्मिक इंसान सी उथे ही आप जी गरीबां अते दीन दुखियां दी सहायता करन वाले इंसान सन। आप जी दे किरत अते चंगे संस्कारां दा लाया बूटा अज आप जी दे परिवार विच प्रफुल्लित हो रहा है। सरदार नरेंद्र सिंह तोर होणा दा परिवार पूरे इलाके विच नेकी दी एक मिसाल है अते आधुनिक समय विच आप जी दा परिवार सांझा परिवार है। आप जी दे सारे परिवार दे जी बहुत ही प्रेम अते प्यार नाल मिलजुल के रहंदे हन अते हमेशा ही गरीबां दी सहायता लई तत्पर रहंदे हन। सरदार नरेंद्र सिंह तोर होणा दी याद विच एक धार्मिक समागम उन्हां दे समूह परिवार वल्लों गुरुद्वारा छेवीं पातशाही जवती कलां लुधियाणा विखे करवाया गया, जिस विच रागी सिंघां वल्लों कीर्तन दी हाजरी लगवाई अते आईयां होईयां समूह संगतां नूं उस परमपिता परमात्मा दे दरसाई मार्ग ते चलण दा संदेश दित्ता। पातशाह कहते
सुख नानी दे हरी भगत बिना हे इंसान हे जीव भावे पढ़न का भी बहुत बड़ा महासन है पर जितना देर तू आप कमाई नहीं करता पढ़ी है ना ही भेद बुझी है पावन उन्हना चिर तेरा मन उस शांति को अनुभव नहीं कर सकता। पातशाह कहते हैं काम ना विसरो क्रोध ना विसरो लोभ ना छुटक्यो देवा पर निंदा मुख ते नहीं छूटी निफल पई सब सेवा फिर तेरे कीते कर्म वो भी तेनों सुख नहीं दे सकते। सुख सुख के साधन तो बहुत करते हैं मैं धन इकट्ठा करना पर पातशाह कहते जे धन के अंदर कोई खुशी होती राजे महाराजे क्यों कान पड़वाते गोरख के किले से जाके किने राजिया ने अपने राज भाग छटे। गुरु दसम पातशाह महाराज उन्हां दी बाणी चो हुणी आपां वचन सरवण कीते ने एक शिव भए एक गए एक फेर भए रामचंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक हैं ब्रह्मा यो विष्णु केते वेद यो प्राण केते सिमरन समोहन के होए होए बताए हैं मोदनी मदार केते अश्वनी कमार केते अंसा अवतार केते काल वास पए हैं पीरे और पैगंबर केते गने न पर्त इते भूम ही के होए के फिर भूम ही मलाए। उपरंत परमात्मा जी के चरणों में अरदास बेनती करके पवित्र दरगाही बाणी तो हुक्मनामा भी सरवण किया गया। ताकि कीमत कहना न जाई